सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकियों के निशाने पर हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिला निवासी कुशल सोनी के पास अनजान नंबर से विदेश से कॉल आए हैं, जिसमें 25 मई को मुंबई में होने वाली रैली के दौरान पीएम मोदी को बम से उड़ाने के लिए 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। कुशल सोनी ने इस मामले की लिखित शिकायत थाने में दी। इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस की साइबर सेल मामले की जाँच में जुटी हुई है। इससे पहले मध्य प्रदेश इंटेलिजेंस ने यूपी पुलिस को अलर्ट किया था कि आतंकी भगवा वेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करने की फिराक में हैं। सतना पुलिस अधीक्षक मिथिलेश शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, साइबर सेल इसकी जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि शनिवार शाम 4:50 सतना के रामनगर निवासी कुशल सोनी के पास एक कॉल आई। कॉल करने वाले शख्स ने कहा कि 25 मई को मुंबई में होने वाली रैली में पीएम मोदी को बम से उड़ाना है। उसने यह भी बताया कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए दो बंदे तैयार हैं। फोन करने वाले शख्स ने कुशल सोनी से कहा कि इस वारदात को अंजाम देने में आप भी शामिल हो जाओ, आपको इसके लिए मांगी रकम दी जाएगी। हालांकि उसने अपना नाम नहीं बताया। पत्रिका के मुताबिक कुशल सोनी ने पहले सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन मोबाइल नंबर देखने के बाद उसके होश उड़ गए। उन्होंने इसकी शिकायत रामनगर थाने में की और बातचीत का ऑडियो पुलिस के सुपुर्द कर दिया। रामनगर थाना प्रभारी के एल मिश्रा ने बताया कि यह फोन विदेश से आया था। फोन करने वाले शख्स की टोन गुजराती लग रही है। मामूलू हो कि हाल ही में सतना के बलराम और राजीव नाम के दो पाकिस्तानी जासूसों को भोपाल एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।